In this part of the lecture, we shall be talking on topology of forms of knowledge. और टोपोलॉजी आप समझ रहे होंगे, जो मैथमेटिक्स के हैं वो तो जानते ही हैं, जो नॉन मैथमेटिक्स के हैं वो फील्ड साइकोलॉजी में हमने उसकी चर्चा की, टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, फिर वेक्टर साइकोलॉजी आदि की चर्चा की वहाँ. तो टोपोलॉजी ये मानता है कि जैसे एक समंदर का पानी है और एक बूंद है, देर इज नो डिफरेंस. जो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल वगैरह का जो कंसेप्ट है, छोटा ट्राइंगल या बड़ा ट्राइंगल यदि एक जैसा है तो एक रूपता, इस कुछ कंसेप्ट को हमने आपके सामने रखा ताकि आप टोपोलॉजी का अपना एक फिगर बना सके इफ यू आर नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट. सो लेट अस कम टू अंडरस्टैंड द टोपोलॉजी ऑफ फॉर्म्स ऑफ नॉलेज. डिसिप्लिन इज ए फॉर्म ऑफ लर्निंग that is structured in terms of a single type of truth criterion and a determinate methodology that is derivative from it. वही derivative का जो concept है, पानी और या छोटा triangle, बड़ा triangle या geometry triangle वगैरह के बीच का relationship, उनकी similarity. Each discipline has its own network of concepts which are distinctive and unique in nature. हमने पहले ही कहा कि नॉलेज और डिसिप्लिन का आपस में गहरा रिश्ता है, और फिर कैसे इवॉल्व होता है तो कैसे क्लासिफिकेशन होता है आदि आदि से ही ज्ञान बढ़ता है और फिर उसका एक विभाग बनता है, फिर विभाग के भीतर विभाग बनता है. सो ईच डिसिप्लिन हैज इट्स ओन नेटवर्क ऑफ कंसेप्ट विच आर डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक इन नेचर. सच डिसिप्लिन कैन बी कैटेगराइज एज बेसिक डिसिप्लिन. Which have their own logical structure of knowledge. मतलब वैसा discipline जिनका अपना logical structure है, उस discipline को कहा, या knowledge ही कह ले उसको, कि basic discipline या basic knowledge. For example, mathematics, science, human science, philosophy. Mathematics is a form of basic discipline where the concepts are abstract in nature. Calculation, brain calculation, concept ka idea, space ka knowledge. The space is not physically present before you. Even then you are reading astrodynamics, astrophysics. Concepts are abstract in nature, and the test of truth criterion that can be used is deducibility within an axiom system. एक तो स्वयं सिद्ध axiom हो गया आपका, और दूसरा deducibility, मतलब derive कर सकते हैं on the basis of this, on the basis of this. जैसे inductive approach में क्या होता है, particular 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 to general, उसकी तरफ ही सारा है. So deducibility within an axiom system. So basic knowledge में mathematics तो एक है ही, जहाँ concept तो abstract है लेकिन इसके ट्रूथ टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो लॉजिकल है. डिड्यूसिबिलिटी विद इन एन एग्जम सिस्टम, एग्जम सिस्टम के भीतर डिड्यूसिबिलिटी है. द डिसिप्लिन ऑफ साइंस कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन कंसेप्ट्स, फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, जनरलाइजेशंस, लॉज एंड थ्योरीज विच रेफर टू द सेंसिबल वर्ल्ड एंड आर एम्पिरिकल इन नेचर, जिसको टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो साइंस कैसे बना है, न्यूटन के गति का नियम, जितने भी थ्योरी प्रतिपादित हुए हैं कैसे हुआ है, और मैथमेटिक्स में सो लॉजिकल और मैथमेटिकल, और दूसरा साइंस. हेयर ऑब्जर्वेशन इज इम्प्लॉयड, किसमें, साइंस में. हेयर ऑब्जर्वेशन इज इम्प्लॉयड एज द ट्रूथ क्राइटेरियन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ नॉलेज. साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज that has been systematically built in order to understand nature and natures of laws. This total body has been divided into numerous scientific disciplines of more specialized characteristics like physics, chemistry and biology. तो आपने देखा कि हम लोगों ने example एक mathematics का लिया है, और दूसरा आपका example किसका लिया है, science का लिया है, और बताया है कि mathematics में क्या है कि जो क्राइटेरिया है
उसका यूज हम लोग करते हैं डिड्यूसिबिलिटी विद इन एन एग्जम्स, इन्फरेंसेस ड्रॉ करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लॉजिकल एस्पेक्ट, और यहाँ ऑब्जर्वेशन के थ्रू देख के हम किसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट, द ह्यूमन साइंसेज इंक्लूड आवर अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ओन एंड अदर माइंड्स एंड इंक्लूड कंसेप्ट्स दैट आर एसेंशियल टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सोशल साइंस में जितने भी है, मानवीय संबंध, मानव का विकास, मानव का गुण, मानव की विकास की अवस्था, तो ह्यूमन साइंस में मतलब मैथमेटिक्स साइंस ह्यूमन साइंस। सम ऑफ द ह्यूमन साइंसेस आर सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सो। तो एक तो हमने किसका किसका देखा, मैथमेटिक्स साइंस ह्यूमन साइंस जिसमें कुछ का नाम भी बताया, एंड फिलॉसफी इज ए बेसिक डिसिप्लिन विच वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अर्लियर एज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, आज भी बहुत लोग मानते हैं। सो मदर ऑफ ऑल साइंसेस द फोर्थ वन इज फिलॉसफी। इट इंक्लूड्स कंसेप्ट विच आर इरिड्यूसिबल, मतलब ऑल दो ऑल एबव। इट इंक्लूड्स कंसेप्ट विच आर इरिड्यूसिबल इन नेचर एंड हैव सीरियस क्लेम्स टू इंडिपेंडेंट स्टेटस। तो ये जो आपके नॉलेज के फॉर्म्स है जो बताते हैं कि टोपोलॉजिकली दे कैन बी क्लासिफाइड, तो ये चार कैटेगोरी की बात मुख्य रूप से करता है। मैथमेटिक्स उसकी उसके नेचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है, साइंस के नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है, ह्यूमन साइंस के नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है, और फिर यद्यपि आज का जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन उसमें ह्यूमन साइंस का ही पार्ट फिलॉसफी भी आ जाएगा, लेकिन चूँकि ये ओरिजिन में बहुत पुराना है इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल साइंसेज मानते हैं। तो और इसके अध्ययन का जो विषय है वो मैथमेटिक्स से भी काफ़ी मिलते हैं, साइंस से भी काफ़ी मिलते जुलते हैं, और कई लोगों का यह कहना है कि मैथमेटिक्स तो बहुत पुराना है लेकिन फिलॉसफी साइंस वगैरह से काफ़ी पुराना है, सोशल साइंस से काफ़ी पुराना है। तो इसको अलग कैटेगोरी के रूप में भी रख सकते हैं क्योंकि इट इज़ इरिड्यूसिबल इन नेचर एंड हैव सीरियस क्लेम्स टू इंडिपेंडेंट स्टेटस। तो इस तरह से चार चीज़ों के बारे में हमने टोपोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज में पढ़ा, और मुख्य रूप से ये जाना कि जो डिसिप्लिन है या नॉलेज है वो बेसिक डिसिप्लिन, और बेसिक डिसिप्लिन जो चार तरह के हैं उस चार बेसिक डिसिप्लिन में मैथमेटिक्स साइंस ह्यूमन साइंस एंड फिलॉसफी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टोपोलॉजी और फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एंड द बेसिक डिसिप्लिन और बेसिक नॉलेज सेंटर्स और नॉलेज टाइप्स यू कैन से नॉलेज फॉर्म्स वी कैन से आर मैथमेटिक्स साइंस ह्यूमन साइंस एंड फिलोसफी। हालांकि हमने सात की चर्चा हर्स्ट के माध्यम से की है, उसकी चर्चा हम फिर विस्तार से आगे करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर दैट इज टोपोलॉजी ऑफ फॉर्म्स ऑफ नॉलेज।